एक मिनट रुक। एक मिनट भाई जिला सचिव नमाज पढ़कर वापस आ गए। मैं उनसे अनुरोध, सभी बीडीसी मेंबर जो अपने आप को बीडीसी मेंबर के शब्द में प्रयोग करते हैं उनका सम्मानजनक क्षेत्र पंचायत सदस्य समस्त मुझे फरनगर से पहुंचे यहाँ पर, उनका मैं स्वागत करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो अपनी संख्या बल दिखाकर यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे। और इसी क्रम में इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि भाई सुनील सिंह जी जो पूर्व एमएलसी भी रहे हैं और जिस संगठन को वो चला रहे हैं वो संगठन आप ही लोगों के विकास के लिए, आप ही लोगों के कल्याण के लिए, जिसका एक ही संकल्प है गांव हमारा विकास हमारा, यही क्षेत्र पंचायत सदस्य का नारा है। आपकी पीड़ा करके नहीं देखा आज तक, तुम दूसरे की
जी बताइए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है जी, और हाल ही में किसान आंदोलन से भी सरकार को जोड़ना पड़ रहा है, अभी पड़ रहा है, विधानसभा चुनाव अभी आने जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे किस तरह से चुनाव? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और एक अहंकारी तानाशाह प्रधानमंत्री को किसानों के जो संघर्ष है उसके आगे झुकना पड़ा। और किसान आपका ये राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन लोकदल का वहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे 10 जनवरी से पिछले से संघर्ष चल रहा है और सारे किसान देश के और सारे लोग लगे हुए हैं जो खेत में बैठे हैं वो भी उस आंदोलन के साथ हैं, क्योंकि ये तीन काले कानून अडानी अंबानी के लिए बनाए गए थे और ये अडानी अंबानी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, ये नारा दे के राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन और लोकदल वहाँ पर रहा है। क्योंकि चौधरी साहब भी कहते थे कि टाटा बिड़ला की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, सिर्फ चेहरे बदले, टाटा बिड़ला की जगह अडानी अंबानी हो गया। आज भी जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 2022 में, एक तरफ अडानी अंबानी की सरकार है, दूसरी तरफ किसानों की सरकार है। और इस बार नारा ये है कि इस बार किसानों की सरकार, बहुत हो गया पूंजीपतियों की सरकार, इस बार किसानों की सरकार, इसी नारे के साथ चलेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने हाथ मिलाया है जी, और भी कई दल इनके साथ आ रहे हैं जी, क्योंकि इन्हें लगता है कि बिना गठबंधन के भाजपा का हराना मुश्किल है जी। तो आप क्या कहेंगे, आप भी गठबंधन का हिस्सा होंगे? नहीं, हम किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लोकदल राष्ट्रीय दल रहा है और 400 जिस समय भाजपा की 2 सीट होती थी, हमारी 4 सीट होती थी उत्तर प्रदेश की संसद में। ये भाजपा जैसी पार्टी इसलिए बनी क्योंकि चौधरी साहब कमजोर हुए, लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे दल बना लिए। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो चुनाव से पहले जैसे गिरोह बनते हैं, गिरोह बनाए जा रहे हैं, लोग अलग अलग डाका डालने से पहले प्लान कर रहे हैं कि किस तरह जनता को लूटें। तो आप कहना चाहते हैं अखिलेश जी भी गिरोह बना रहे हैं? बिल्कुल गिरोह बना रहे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मुजफ्फरनगर का दंगा उनके सामने रहा है, क्या किया उन्होंने? अखिलेश यादव के समय में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, चौधरी अजीत सिंह जी मंत्री थे, क्या किया था उन्होंने? सवाल आज इस बात का नहीं है कि मुस्लिम और जाट तोपकी दबा भी गठजोड़ कर रहे हैं। नहीं, जाट मुस्लिम गठजोड़ तो हमेशा से रहा है, किसानों का गठजोड़ है, कोई यहाँ जाट और मुसलमान नहीं होता, किसान होता है। चौधरी साहब सबको किसान कहते थे और किसान ही होता था, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। सवाल लोगों को धर्म में बांटा गया, फिर जातियों में बांटा गया। आज प्रश्न इस चीज़ का है कि ये जैसे आपने बोला गठजोड़ चल रहे हैं, राजभर आ रहे हैं, निषाद आ रहे हैं, आप आ जाओ, तो ये निश्चित रूप से एक तरह से गिरोहबंदी चल रही है। और ये भी आप मान के चलिए कि जिस तरह हरियाणा में सबसे पहले दुष्यंत ने उनको बीजेपी को साथ दिया, अगर उत्तर प्रदेश में जरूरत पड़ेगी तो अखिलेश गठबंधन के ही साथी बीजेपी को सबसे पहले साथ देंगे। ये सिर्फ चुनाव में वो बबुआ और वो भतीजा वहाँ पे मायावती और सपा बसपा का गठबंधन हो रहा था, आज कहाँ है सपा बसपा, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। तो ये सिर्फ ये गिरोहबंदी हो रही है जनता पर डाका डालने के लिए कि कैसे जनता को विश्वास को लूटा जाए। अखिलेश यादव को भी जनता ने नकारा हुआ है इनको डाका डालने के लिए कि कैसे जनता को विश्वास को लूटा जाए। अखिलेश यादव को भी जनता ने नकारा हुआ है इनको, चौधरी छोटे चौधरी साहब को भी किसी दल के साथ अछूते नहीं है। तो निश्चित रूप से आज जनता को किसानों को अपने लिए वोट देना है और उसके लिए एक नया विकल्प चुनना पड़ेगा। जी, आपका अभी भी कोई MLA उत्तर प्रदेश में नहीं है, लगातार सभी चुनाव आप लड़ते आ रहे हैं, तो आप कैसे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में 317 सीटों में भाजपा ने जो जीती, तो बड़े बड़े दलों का सूपड़ा साफ हो गया, जिनके बड़े बड़े MLA होते थे वो भी चले गए, क्योंकि कुछ भी कारण रहा हो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव हुआ, जनता हमारी कभी हिंदू मुसलमान कभी भारत पाकिस्तान पर वोट देती है, किसान भूल जाता है कि उसकी समस्या क्या है, नौजवान भूल जाता है कि गाँव में नौकरी नहीं है। तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि बेवकूफ़ बना के जनता का वोट पिछली बार भी ले गए। लोकदल की एक आज भले ही लोकदल की सीट ना हो, लेकिन लोकदल वो पार्टी रही है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी के युवा के अध्यक्ष थे, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, देवीलाल जी सब यहीं से निकले हैं, ये सब लोकदल से ही निकले हैं। और चौधरी साहब का फोटो लगा के इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया है, चौधरी साहब का फोटो लगा के चौधरी साहब के नाम पर वोट मांगे हैं, लेकिन चौधरी साहब की नीतियों को नहीं जान सके, गांव का विकास कैसा होगा इनका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसलिए इन लोगों की सरकार आती है और थोड़े दिन बाद चली जाती है अगले 5 साल बाद, क्योंकि इनमें और भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। आज समाजवादी पार्टी या भाजपा कांग्रेस में क्या अंतर है, ये दोनों ही पूंजीपतियों के हाथों हैं, ये सब अडानी अंबानी की सरकार है। बल्कि हम तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भाजपा का दूसरा है, BT में है क्या इसमें? जब तक हिंदू करेंगे, मुसलमान मुसलमान करेंगे, दोनों में क्या अंतर है? ये हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटते हैं और वोट लेने के बाद में दोनों एकजुट हैं, कोई अंतर नहीं है। जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, चाहे अखिलेश यादव जी की हो, मुलायम सिंह जी की सरकार किसने बनाई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाई थी। तो ये सब अंदर से एक खाने हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटकर किसानों को उनकी समस्याओं से दूर कर रहे हैं, नौजवानों को समस्याओं से दूर कर रहे हैं, और आपको भुला रहे हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर आओ वोट दो, उसके बाद तो ये सब एकजुट है, कोई अंतर नहीं है। सुशील शर्मा। सुशील जी, MLC के चुनाव लड़ रहे हैं 2022 में जी, तो किस तरह की रहेगी आपकी कार्यप्रणाली? कार्यप्रणाली ये है कि जो
मेन इसका वोटर है एमएलसी का, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, जिसको इन लोगों ने इस व्यवस्था में डाल रखा कि उसको दो वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, दबाव उस पर बनाते हैं। लेकिन इस बार एक नई क्रांति की आगाज है और जो हमारा बीडीसी भाई है उसको समझाया जा रहा है कि वो वास्तविकता में क्षेत्र पंचायत सदस्य है, क्योंकि उसको प्रमाण पत्र भी क्षेत्र पंचायत सदस्य का मिलता है। ये बहुत बड़ी साजिश थी, जिस साजिश के तहत इसका नाम बीडीसी रखा। बीडीसी रखने के बाद इसकी इस्तेमाल बीडी के तरह ही किया गया है। अब कई बार एक नया परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन की दिशा में चले हैं, माननीय अध्यक्ष जी भी परिवर्तन की दिशा में कार्य कर रहे हैं और हमने भी लोगों को परिवर्तन करने के लिए उनका एक ऐसा संगठन बना रखा है। अब उन लोगों को समझ में आ रहा है कि वास्तविकता में हम नेता हैं, क्योंकि वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। इस बार जो वोट होगी, इस बार सत्ता के दबाव में वोट नहीं होगी, पैसे के दबाव में वोट नहीं होगी, ये क्षेत्र पंचायत सदस्य नेता बन के वोट देगा, न ये किसी के दबाव में आएगा। ये इसने संकल्प लिया है, ये अब के यही कार्य हम कर रहे हैं। और मैं वोट लेने के लिए बीडीसी की वोट नहीं लूँगा, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य की वोट लूँगा, नेता की वोट लूँगा और उसके अधिकार की लड़ाई ही जाके लड़ूंगा, मुझे किसी की लड़ाई नहीं लड़नी। शर्मा जी, एमएलसी का चुनाव धनबल और बाहुबल का होता है, ये सत्ता का बनाया हुआ वो हथियार है जो सामने वाले पे चलता है। मैं पिछला चुनाव लड़ा था, 316 वोट ली मैंने, 316 वोट बिना पैसे के मुझे बीडीसी ने चाय पिलाई, वोट दी, जबकि नए बीडीसी का उस वक्त वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया था, उसको शपथ नहीं हुई थी। अगर पिछली बार चुनाव हो जाता तो इन्हें इस धनबल का और बाहुबल का पता चल जाता। ये जितने संख्या में हैं, 2800 यहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, अगर 2800 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ये मन बना लिया कि हम अपना एक नेता चुनेंगे तो उन्हीं की वोट पे नेता चुना जा रहा है, यहाँ एमएलसी वही भेज देंगे, बाकी तो बराबर में लग के उनका सहयोग तो कर सकें। जैसे चुनाव का पैटर्न बदलता जा रहा है जी, मतदान किसी के पक्ष में पड़ रहा है, काउंटिंग में जीत कोई रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें बैलेट पेपर है और इसमें नेताओं का चुनाव है, ये जनता का चुनाव नहीं, पेपर में ही वो जीतते ईवीएम से, लेकिन घोषणा नहीं होने, इसमें नहीं होने की, इसमें बहुत छोटी वोट है और हर जो वोट देगा वो अपनी वोट पे वहां खड़ा मिलेगा, क्योंकि बक्सा जब खुलेगा ना तो अब की बार जो हम अपना एजेंट बनाएंगे, हम अपने एजेंट ही अपने मेंबरों को बनाएंगे, वही देखेंगे अपनी वोट हमने किसे दी, कहां गई। प्रमुखी के चुनाव में यही बीडीसी 20,000 रुपए तक, 15 लाख रुपए तक बिके हैं, बिके, लेकिन उन्हें नहीं समझाया गया ना, वो सत्ता का खेल है, उस सत्ता में वही तो काम हुआ। और यही बीजेपी के लिए सबसे घातक होगा आपके, कि इन्होंने जो ये सिखाया है इनको कि प्रमुखी में आप वोट दो, अब ये जितने लोग हैं परेशान नहीं है, प्रमुखों ने क्या दिया इन्हें, प्रमुखी ने दे क्या, प्रमुख है क्या, प्रमुख तो ऑलरेडी एक क्षेत्र पंचायत सदस्य है। ये अगर ये इस चीज़ को समझ जावे कि उसकी हैसियत भी वही है जो हमारी है, इन लोगों ने अपने 5 साल की पूरी निधि उसके नाम कर दी, इसीलिए तो परेशान है ये, वन टाइम पेड हो गया और इन्हीं की निधि में से उसने इन्हें पैसे दे दिए। अब अगर ये समझ इनकी समझ में आ रही है जो आ जा रही, नुकसान कर गई तो पता चले फायदे का कि हमने नुकसान क्या करा, फायदे में तो कुछ भी पता ना चले। अब माने पिछली बार में 316 का अगर आंकड़ा लेके गया हूँ तो मुझे ऊर्जा मिली ना कि मैं इस चुनाव को लड़ पाऊंगा। अब रही बाहुबल की, बाहुबल जिसका हो देखे जाएंगे, मेरे पास यहाँ 4527 लोग हैं और 4500 लोगों ने इनका बेवकूफ बना रखा, मैं इन 4500 लोगों की फौज को लेके 4500 लोगों पर टूटूंगा आपके, ये समझ में आ जाएगा इनकी कि 4500 की संख्या कितनी भारी है। सत्ता के सामने आप चुनाव लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ूंगा, मैं सत्ता से डर के क्यों चलूंगा, मैं किसी चीज से डरना नहीं, डर वो करता है जिसने कुछ घोटाला कर रखे हो, मैं घोटालेबाज नहीं, मेरे पे मुकदमे लगा के देख लिए, लगाए थे मेरे पे मुकदमे, उस सत्ता में भी लगाए थे, मैंने SDM की कोर्ट में DM तलब कराया था, सारी सत्ता चली थी, सत्ता का तो जब भी लड़ा मैं। लेकिन क्या है कि पिछली बार ये लोग एक मुश्त नहीं हो पाए थे, इनको समझ नहीं आ पाया था, मेरे पास समय कम था, अब की बार तो 4 महीने से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, इनकी समझ में आ रहा, सबकी समझ में आ रहा, अपनी ताकत पता चल रही, तो इनकी ताकत जैसे बाहर आवेगी निकल के, आपके बड़े बड़े नेताओं को पसीने आवेंगे। सरकार किससे चल रही, सरकार इनसे चल रही, इनकी समझ में अगर आ गया ना तो विधानसभा के चुनाव में अब के यही धरती चटावेंगे, क्योंकि एक आदमी जो यहाँ खड़ा 300, 400, 500 ऐसा क्षेत्र पंचायत सदस्य है जो 1500 वोटों से भी जीतता हुआ है यहाँ, तो 1500 आदमियों का प्रतिनिधित्व करने वाला 500 वोट तरदीम नहीं करता क्या,
अब क्या ये करेंगे, ये एमएलसी पहले करा दें, विधानसभा पहले करा दें, अब क्या क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान चुनाव में बहुत कुछ बदलाव करेंगे, बहुत कुछ। वो अपनी हैसियत बतावेंगे कि हम हैं, सरकार अब की बार हमारी होगी, अब की बार क्षेत्र पंचायत और प्रधान की सरकार होगी, चाहे किसी की भी सरकार बनेगी, इनकी सोच के, इनकी समझ के, इनकी राह के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, चाहे।